हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण भगवान की छठी की वीडियो, जो मनन धाम गाजियाबाद में बहुत ही सुंदर झांकियां लगाई हुई हैं। आप भी यहां पर आकर देख सकते हैं मनन धाम गाजियाबाद में कितना सुंदर मेला लगा हुआ है। यह है गाजियाबाद से 5 किलोमीटर दूर मोरटा गाँव के नज़दीक ऑन रोड पर, मेरठ गाजियाबाद रोड पर ही पड़ता है। आप भी यहाँ आइए, श्री कृष्ण भगवान की मनमोहक झांकियों के साथ साथ यहाँ पर मंदिर में दर्शन कीजिए, भंडारे का आनंद लीजिए। तो आइए श्री कृष्ण भगवान की छठी मनाते हैं। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं मनन धाम, जो गाजियाबाद मेरठ रोड पर पड़ता है। तो मनन धाम मंदिर में आपको मनन धाम मंदिर के दर्शन कराते हैं। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं मनन धाम मंदिर के अंदर। मनन धाम मंदिर में आप सामने देख सकते हैं, आने से पहले मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। सामने गाजियाबाद से मेरठ को ये रास्ता जा रहा है, यहाँ पर मेट्रो का स्टेशन भी बना हुआ है, लेकिन अभी मेट्रो रैपिड मेट्रो चली नहीं है। कुछ टाइम बाद रैपिड मेट्रो भी चल जाएगी। दोस्तों, अभी मनन धाम मंदिर के अंदर जैसे ही आप एंट्री लोगे तो बहुत ही सुंदर मंदिर को सजाया गया है। श्री कृष्ण भगवान की छठी मनाई जा रही है। छठी का आनंद लेने के लिए आप मनन धाम मंदिर जरूर आइए। इसको शंख वाला मंदिर भी बोलते हैं। यहाँ पर मंदिर के अंदर एंट्री लेते ही एक बहुत ही विशाल हाथी की मूर्ति लगाई हुई है, जिस पर बच्चे बैठ कर फोटो खिंचवा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। उसके साथ साथ मंदिर में घूमने के साथ साथ यहाँ पर आप श्री कृष्ण भगवान की मनमोहक झांकियाँ भी देख सकते हैं, और देख सकते हैं श्री राम दरबार के अंदर आकर। आप जैसे ही राम दरबार अंदर के मंदिर के अंदर आओगे, आपको हनुमान जी की बहुत ही सुंदर तस्वीर मिलेगी देखने के लिए। यहाँ पर आप पूजा अर्चना करने के बाद सीता जी और रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी की मूर्ति देखने के साथ साथ आप यहाँ पर शिवलिंग देखोगे। शिवलिंग के साथ जैसे मंदिर से बाहर निकलोगे तो यहाँ पर वैष्णो देवी की गुफा भी है। दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की मनमोहक झांकियाँ भी लगी हुई हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर एक शंख है, विशाल शंख की तस्वीर बनाई हुई है। ऊपर जाकर आप उस विशाल शंख में जो मंदिर है उसके दर्शन भी कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण भगवान की मनमोहक झांकियाँ, और आगे चलते हैं वीडियो को आगे बढ़ाने के साथ साथ। यहाँ पर देखिए वासुदेव श्री कृष्ण जी को पालने में बैठाकर जब गोकुल ले गए थे, ये उसकी मनमोहक झांकी है। उसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं श्री कृष्ण भगवान ने पूतना का वध किया था, ये उसकी मनमोहक झांकी है। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत ही मनमोहक सुंदर झांकी आप देखिए यहाँ पर। हे समरथ अगम्य पूरण, हे समरथ अगम्य पूरण, मोह माया धाम प्राणनाथ अनाथ सखी, प्राणनाथ अनाथ सखी, दीन दर्द रिवाय, हे गोविंद हे गोपाल हे दयालुला, हे गोविंद हे गोपाल हे दयालुला, हे गोविंद हे गोपाल हे दयालुला। Oh,
अगम्य पूरण हे समरथ अगम्य पूरण मोह माया धार हे गोविंद हे गोपाल हे दयालुद प्राणनाथ अनाथ सखी प्राणनाथ अनाथ सखी दीन दर्द रिवाय हे गोविंद हे गोपाल हे दयालुला हे गोविंद हे गोपाल हे दयालुला हे गोविंद हे गोपाल हे दयालुला दोस्तों माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के साथ श्री कृष्ण भगवान को हैप्पी बर्थडे बोलने के साथ साथ वीडियो का अंत करते हैं। बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल का आइकन प्रेस जरूर कीजिए जिससे कोई भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले मेरी वीडियो में देखोगे आप नई नई जगह की वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। थैंक यू वेरी मच।